गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमें कक्षा 7 से लेकर 8 तक विस्तार रूप से पढ़ना है। समास के बारे में अध्ययन करना है, इसलिए हम कॉमन वीडियो बनाए हैं। कक्षा 7 से 10 तक के लिए एक ही वीडियो समास का। तो अब हम देखें समास कि समास क्या है। तो देखिए, समास जो है वो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यानी परस्पर संबंध रखना माने एक दूसरे से, है ना, और दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा, वही समास कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि दो शब्द यदि मिलाएंगे तो तीसरे शब्द का निर्माण होगा, है ना, तो वही यहाँ पर। अब देखिए इसको दूसरे में कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाया जाता है। समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, है ना, मिलाकर या संक्षिप्त करके उसको लिखा जाता है। यानी संक्षिप्त यानी छोटा करके लिखा जाता है। जैसे महान है जो राजा, महान है जो राजा, महाराज। दूसरा जैसे है रसोई के लिए घर, है ना, दो या दो से अधिक शब्द है, इसको मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रसोई घर। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि परस्पर मेल कर रहा है और दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर और एक नया शब्द बन रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह समास है, है ना। अब हम लोग चलेंगे समास के भेद। चलिए तो हम अब चलते हैं समास के भेद। तो देखिए कि समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो ये समास के 6 भेद हैं। अब हम लोग पहले समास को देखेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो गौर से आप लोग ध्यान देंगे, अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद वाक में क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। इसमें देखना है कि आपको पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा और वह अव्यय कैसा होगा, वाक में क्रिया विशेषण की तरह होगा। तो देखिए इसमें अव्ययी भाव समास में है, है ना, कि पहला पद अव्यय हो और वाक में क्रिया विशेषण का काम करे। तो देखिए यहाँ पे जैसे आमरण यानी मरण तक, तक जो है वह क्या है, अव्यय है, है ना। फिर प्रत्येक यानी एक एक। तो इस प्रकार हम लोगों ने अव्ययी भाव समास में देखे कि पहला पद क्या है कि अव्यय है और वह वाक में क्या कर रहा है, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। दूसरा हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम लोग देखेंगे कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में हम लोग, है ना, कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण के विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। इस बात का याद रखेंगे कि कारक के कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध और अधिकरण कारक जो है उनके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे देख लीजिए
रेखांकित, त रेखा से अंकित, त से देख रहे हैं है ना, विभक्ति चिन्ह आ गई। फिर है वनवास, वन में वास, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह है तारक के। फिर राजकुमार यानी राजा का कुमार, यानी का प्रयोग यहाँ पे संबंध वाचक कारक का चिन्ह आया ना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा समास है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखेंगे कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष मतलब उसकी विशेषता बताने वाला होना चाहिए, उपमेय उपमान मतलब ऐसा तुलना करने की बात हो रही, उपमान करने की बात हो रही कि ऐसा हो। जैसे नील कमल यानी नीला है जो कमल, यह उपमान कर रहा है कि कमल कैसा है, तो नील कमल जैसा है ना। दूसरा महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, इसमें विशेषण विशेष बता रहा है ना। तो यह हो गया आपका कर्मधारय समास। चौथा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में आप ध्यान रखेंगे सबसे आसान समास यही है द्विगु, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो यानी संख्या को दर्शाता हो वह द्विगु समास हो। जैसे नवरत्न, नवरत्न में देखिए कि यह संख्या दर्शा रहा है नौ, यानी नौ रत्नों का समाहार है ना। फिर आपका चौराहा यानी चार राहों का समाहार। तो आप द्विगु समास में देख रहे हैं कि पहला पद में ही आपको संख्यावाची दर्शा रहा है यानी संख्या का बोध करा रहा है और द्विगु समास कहलाएगा। पांचवा है आपका द्वंद समास। द्वंद समास में देखिए जिन समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा या का प्रयोग होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे राम कृष्ण, तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह, राम और कृष्ण, इसको यह चिन्ह को हम लोग योजक चिन्ह भी बोलते हैं, योजक यानी जोड़ने का कार्य करता है ना। दूसरा जैसे है माँ बाप यानी माँ और बाप, ऐसा वैसा यानी ऐसा और वैसा, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, दुख सुख, दुख और सुख, इस प्रकार के शब्द जो होंगे वह द्वंद समास में। छठा नंबर है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में देखेंगे कि जिस समास में समास पद का कोई भी पद प्रधान न हो, यानी दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो अपितु अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। यानी दोनों पद इसमें प्रधान नहीं होगा और इसमें जो है किसी अन्य पद जो है वह प्रधान हो जाएगा। जैसे दशानन है ना, यानी दस आननों वाला अर्थात कौन है, रावण। यानी इसमें देखिए कि दशानन यानी दस आनन वाला बता रहा है, लेकिन वो ये दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे को बता रहा है, यानी अर्थात किसके बारे में बता रहा है, रावण के बारे में। उसी प्रकार से चतुर्भुज है ना, यानी चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, यानी चतुर्भुज को जो है और चार भुजाओं को नहीं बता रहा है, वो तीसरे विशेष पद को बता रहा है यानी विष्णु को बता रहा है, यानी चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। इसी प्रकार से गिरिधारी यानी गिरि को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चक्रधारी यानी चक्र है पानी यानी हाथ में अर्थात विष्णु। यानी इसमें देखें हम लोग कि दोनों पद में से किसी
पद को प्रधान नहीं दे रहा है और किसी अन्य पद को क्या कर रहा है, प्रधान कर रहा है, वह बहुव्रीहि समास में आया। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समास के 6 भेद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।